अलवर बस का स्टॉप ना होने से तीर्थयात्री हुए परेशान। अन्य जगहों पर जाने वाली बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों से लड़ने को उतारू श्रद्धालु। गिरिराज धाम गोवर्धन में हर रोज जहां काफी संख्या से में दूर दराज से देशी विदेशी श्रद्धालु गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा लगाने के लिए अपने परिजनों के साथ आते हैं और गिरिराज जी का दुग्ध अभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। वहीं श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु जो राजस्थान से आते हैं वो परेशान रहते हैं क्योंकि गोवर्धन बस स्टैंड पर अलवर बस स्टॉप का ना होने से श्रद्धालु परेशान रहते हैं क्योंकि राजस्थान के अन्य जगहों से जाने वाली बसों में जगह ना होने की वजह से बसों में श्रद्धालुओं को नहीं बैठाते हैं। अगर बस ड्राइवर मना कर देते हैं तो श्रद्धालु बस ड्राइवर और कंडक्टरों से लड़ने को उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को गोवर्धन के बस स्टैंड पर देखने को मिला जहां अलवर जाने वाली श्रद्धालु अलवर बस ना होने की वजह से जयपुर जाने वाली बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ झड़प करते हुए नजर आए। जयपुर से सर, हम राज्य में खड़े हुए हैं गोवर्धन जी, अलवर डिपो की कोई भी गाड़ी स्टैंड में अंदर एंट्री नहीं कर रही है, वो बाहर की बाहर जा रही है, ना कोई यहाँ से उन्होंने बोलिया कोई स्टैंड में एंट्री नहीं कर रही है गाड़ी, कस्बे में एंट्री नहीं कर रही, ये नहीं बता सकते सर क्यों नहीं कर रही। वो इतनी पैसेंजर यहाँ बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं, करीब 100 पैसेंजर अलवर के लिए बैठे हुए हैं पर कोई गाड़ी यहाँ है नहीं अलवर की। मेरी बात करा बुकिंग क्लर्क बुकिंग क्लर्क से बात करो, मैं आपकी बात कराता हूँ बुकिंग क्लर्क गोवर्धन से, आप बात कीजिए सर। हेलो नमस्कार सर, सर ऐसा दरअसल ये अलवर डिपो की गाड़ी है जो जयपुर वाली गाड़ी, हाँ हाँ जयपुर वाली गाड़ी तो अपने स्टैंड पे आ रही है, अब इस टाइम पुणे का टाइम चल रहा है, इतना ट्रैफिक है अलवर का जिसका कोई जवाब, और ये स्टाफ है जो बाहर से बाहर वाली रोड बना हुआ है गोवर्धन का उससे निकाल ले जाते हैं जबकि स्टैंड पर अलवर। नाम भैया आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार। कहाँ के निवासी हो? नगर। अच्छा अभी आप यहाँ बस स्टैंड पर झगड़ा कर रहे थे, क्या मामला था ये? झगड़ा नहीं कर रहे थे, बात ये थी हम बस स्टैंड पर ढाई घंटे से इंतजार कर रहे हैं जी। अलवर डिपो की गाड़ी कोई बस स्टैंड में अंदर आती नहीं है, बाहर की बाहर निकल जाती है, ये जो पैसेंजर है जो नगर जाना चाहते हैं, डी जाना चाहते हैं, अलवर जाना चाहते हैं, वो गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। आपने अंदर ऑफिस में बात की इसकी? हमने ऑफिस में बात की थी, वो बोल रहे थे हम बात करके हम आपको बताते हैं गाड़ी अंदर किस लिए नहीं आ रही है, हम अभी बात करके आपको जवाब देते हैं जी। आपने फ़ोन पे भी अभी आला अधिकारी से बात की, उन्होंने क्या बोला? एम साहब से बात की थी अलवर, जयपुर कंट्रोल रूम में बात की थी जी। क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला था हम अभी अवगत करके बताते हैं गाड़ी किस लिए अंदर नहीं आ रही है, हम बात करके आपको अभी कॉल बैक करते हैं।